ना। अब हम सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। माउंटेन है क्या? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन्स कोई इंसान नहीं बनाता है, कोई मशीन नहीं बनाती है, जिन नेचुरल एलिवेशन है, जिन माउंटेन्स नेचुरली बनती हैं, जिनके नेचुरल एलिवेशन है। द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। कहता जो माउंटेन्स है उसका जो समिट है वो स्मॉल समिट होता है और उसका बेस ब्रॉड होता है। इसको मैं अभी बताती हूँ आपको, समिट क्या है और बेस क्या है। ये देखो, जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसको बेस कहते हैं, माउंटेन के नीचे वाले पार्ट को बेस कहते हैं। जो उसकी टॉप पीक होती है जी, उसकी जो टॉप पीक है इसको समिट कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, चलो आगे देखते हैं कि सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। आपने माउंटेन्स देखे होंगे, और वो क्लाउड से भी बड़े ऊंचे नजर आते हैं। तो एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर चलते जाते हो, जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स पे जो रिवर्स होती हैं वो फ्रोजन रिवर्स होती हैं। वो क्या है कि वो रिवर्स जो हैं वो आइस से ढकी रहती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, इनको ग्लेशियर्स कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ ऐसी माउंटेन्स होती हैं जिसको आप देख ही नहीं सकते हो, वो सी के अंडर होती हैं। और अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, जो माउंटेन्स की बात कर रहे थे कि माउंटेन्स का क्लाइमेट कैसा है, हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है, लेस पीपल वहाँ पर रहते हैं माउंटेन्स पर, उनके जो स्लोप्स हैं स्टीप होते हैं, तिरछे स्लोप्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं होता। वहाँ के जो स्टीप हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े वो तिरछे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फार्मिंग करनी पॉसिबल नहीं होती। आगे हम बात करते हैं, माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नॉन एज रेंज। माउंटेन जब एक लाइन में होते हैं तो उसको रेंज कहते हैं। कोई जब जब कोई माउंटेन कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता है, जे देखो माउंटेन्स ऐसे होते हैं तो इसको कहते हैं, एक लाइन में होते हैं इसको कहते हैं रेंज। मैनी माउंटेन्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। बहुत से ऐसे माउंटेन्स हैं जो एक पैरेलल रेंज में ही चलते रहते हैं, 100 किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे द हिमालयस, द एल्पस, द एंडीज, ये ऐसे माउंटेन्स हैं एशिया के, यूरोप के और साउथ अमेरिका के, जो जो ऐसे जिनको हम माउंटेन रेंज कहते हैं। माउंटेन वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन हाइट और शेप में डिफरेंट होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या है और वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है। ब्लॉक माउंटेन्स देखो, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिसप्लेस वर्टिकली। जब बहुत सा एरिया टूट जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, तो इस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स बनने शुरू हो जाते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबिन। जहाँ पर पिक्चर में देखते हैं, कहते चट्टानों चट्टानों के टूटने से जब रॉक्स टूट जाती हैं तो उनका जो पार्ट ऊपर को हो जाता है उसके होस्ट कहते हैं। जो पार्ट ऊपर को हो जाता है उसको होस्ट कहते हैं, और जो पार्ट नीचे धस जाता है उसको ग्रेबन कहते हैं, उसको ग्रेबन कहते हैं। इस तरह से क्या बन जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बन जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स।